हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना विद अफसाना पे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने में क्या क्या लगता है। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमने लिए हैं 100 ग्राम मूंग दाल, इसे हम 4 से 5 घंटा पहले से भिगो के रखे थे। चीनी लिए है 100 ग्राम, दूध लिए है 250 ग्राम, काजू और पिस्ता को हम बारी बारी काट लिए हैं, किशमिश लिए है 1 कटोरी, इलायची, घी लिए हैं 100 ग्राम और फूड कलर थोड़ा सा। तो चलिए बनाते हैं। लंगी चाल लेंगे और इसमें मूंग दाल को पेस्ट बना लेंगे। ढक्कन बंद किए, अब इसको ब्लेंड पर ही खोल के देख लेंगे कि ये स्मूथ ना हो, दरदरा होना चाहिए। एक बार और इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट बन चुका है, अब इसको एक बाउल में डाल लेंगे। गैस ऑन कर लिए हैं, गैस का फ्लो लो रखे हैं और ये कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें घी डालेंगे। अब जब तक ये घी पूरा गल ना जाए तब तक वेट करेंगे। गल गए हैं, अब इसमें मूंग दाल का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम में। इस तरीके से इसको कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो कढ़ाई में लग जाएगा। अब इसमें चीनी डालेंगे। हमने यहाँ सिर्फ 75 ग्राम चीनी यूज़ किया है। अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी ज़्यादा डालें अच्छी तरीके से। तब तक इसको मिलाते रहें जब तक ये चीनी पूरा मूंग दाल में डिज़ोल्व ना हो जाए। ये देखिए चीनी जो है पूरा डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, किशमिश डालेंगे और इलायची डालेंगे। इसको हम तोड़ लिया है इस तरीके से, फिर से इसको मिला लें। देखिए ये पूरा भुन गया है, अब इसमें दूध डालेंगे। अच्छे से मिला लें। इसको 5 मिनट तक मिलाते रहें। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे इसको कलर करने के लिए। मिला लें अच्छे तरीके से। हलवा बन चुका है, गैस को ऑफ करके इसको प्लेट पर बाउल में सर्व करेंगे। इसमें चेरी से गार्निशिंग करते हैं। मूंग दाल का हलवा। दोस्तों आज का मेरा ये रेसिपी कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नया।